हेलो, कैसे हो आप सब? चलो आज पापा की भूख के लिए स्पेशल रवा केसरी बनाते हैं। तो एक कढ़ाई लो, उसमें डालो 2 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम उसमें डालेंगे सूजी। मैंने आधा कटोरी सूजी का ही हलवा बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाया। और हमें पहले सूजी को घी में अच्छे से मिक्स करना है, और अगर आपको लगे कि घी थोड़ा कम है तो आप और डाल सकते हैं। और फिर हमें सूजी को घी में अच्छे से रोस्ट कर लेना है, जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, इतने हमें उसे रोस्ट करते रहना है। मैंने बीच बीच में और घी नहीं डाला, क्योंकि मैंने पहले ही काफ़ी घी डाल लिया था। जितना मेरा हलवा है उसके हिसाब से मैंने काफ़ी घी डाल लिया था पहले ही, तो अभी मैं बीच बीच में और नहीं डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि आपके हलवे में सूजी सूखी सूखी है, घी कम है, तो आप और डाल सकते हैं। धीरे धीरे सूजी का कलर अच्छा आ रहा है, सूजी ब्राउन हो रही है, अच्छे से भुन रही है सूजी। आपको सूजी को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भुनना है, हाई फ्लेम नहीं रखना। बिल्कुल भी सूजी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से भुन जानी चाहिए। और सूजी बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने आधा कटोरी सूजी में 1 ग्लास पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। सूजी को हमें तब तक मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मिक्स करना है, जब तक कि सूजी अच्छे से फूल नहीं जाती पानी में। सूजी पानी में बहुत जल्दी फूलती है, तो आपको ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करना पड़ेगा। बस 1 मिनट में सूजी फूल जाएगी अच्छे से। और हम इसमें डाल देंगे चीनी। आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं, जो चीनी होती है उसका पाउडर बनाकर, और ऐसे आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, जो हमारी सूजी है वो चीनी में भी अच्छे से फूल जाएगी, तो हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखना है। और जब सूजी भी अच्छे से फूल जाएगी, हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। तो हम इसमें डालेंगे फूड कलर। फूड कलर हमें ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ थोड़ा सा ही डालना है, और उसे मिक्स कर लेंगे। तो आप ये ट्राई करो, बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है हलवा। और रवा केसरी है, गणेश उत्सव है, तो रवा केसरी तो बनता ही है। पापा का स्पेशल भोग है, मोदक के बाद स्पेशल भोग है। तो फूड कलर डालकर मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। तो आप ये ट्राई करो, बनाओ, खाओ, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये रवा केसरी कैसा लगा। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट में बन जाएगा। तो ट्राई करो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।